तो ये है हमारा पूरा व्यू केदारनाथ वैली का, आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ एकदम जेन्युइन व्यू। गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम जय शिवशंकर, हर हर महादेव। मैं सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज चुके हैं और आज तारीख है 8। तो अभी मैं सुबह उठा तो देखा कि हमने इतनी लंबी लाइन लगी है केदारनाथ टेंपल के दर्शन करने के, केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ लाइन में लगे हैं 2 बजे के, रात के 2 बजे से, ना कोई ठंड ना कोई ओस, किसी चीज़ का बेफिक्र हर चीज़ से होकर लाइन में लगे सिर्फ केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। तो अभी 6 बजे तक लाइन पहुँच चुकी है हेलीपैड तक, तो जो कि हेलीपैड है केदारनाथ मंदिर से पूरा 500 मीटर दूर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लाइन लगी है और कितनी बड़ी लाइन लगी है। तो ये देखिए, वह है हमारा केदारनाथ टेम्पल, आपको दिखाई दे रहा होगा, और वहाँ से लाइन लगती हुई आ रही है, ये देखिए, देखते जाइए आप लाइन, और ये पीछे तक गई है काफ़ी लाइन। बाकी यहाँ का नज़ारा देखिए आप, ये हमारे हिमालय पर्वत पीछे, तो फिलहाल अभी हम भी लाइन में लगने जा रहे हैं और थोड़ी चाय पीता हूँ पहले मैं, फिर लाइन में लगता हूँ और उसके बाद फिर केदार बाबा के दर्शन करेंगे और फिर पूरा व्यू लेना केदार टेम्पल का, और फिर शायद भैरव मंदिर भी जाना है, जो भैरव मंदिर है उधर उस पहाड़ी पर, दिख जाएगी उस पहाड़ी पे जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है, तो भैरव मंदिर का भी आप दिखाएंगे आपको पूरा व्यू। तो अभी फ़िलहाल हम चाय पीते हैं, और यहाँ पर बहुत है सब कुछ, बहुत महंगा, आप सोच भी सकते हैं कितना महंगा है यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की लिस्ट, ये देखिए 25 रुपये की चाय, बहुत बहुत महंगा महंगा है। तो फिलहाल अभी हम चाय पीते हैं, बैग चाय लगा देना। तो हम यहाँ बैठ के चाय पियेंगे, अपना डंडा साथ में रखा हुआ है हमने, यहाँ बैठ के चाय पीने के बाद फिर हम जाएंगे मंदिर की चढ़ाई करने, मंदिर की, सॉरी मंदिर की लाइन में लगने। तो हर हर महादेव जी, जय शिव शंकर। देख सकते हो आप कितनी लंबी लाइन अभी लगी है, और हमारे सामने केदारनाथ टेम्पल, और हम केदारनाथ टेम्पल की तरफ ही चल रहे हैं। हर हर महादेव गाइस, तो फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं केदार मंदिर के अंदर से। फिलहाल शिवलिंग के से जो शिवलिंग है हमारा अंदर, वहाँ तक पास नहीं जाने दिया, बंद कर रखा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा। सितंबर का महीना सीजन का महीना होता है, और जैसे कि जून मई का महीना होता है इसी टाइप का, सितंबर अक्टूबर का महीना होता है क्योंकि इस टाइम में बारिश नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, हमने थोड़े दूर से दर्शन किए, बड़ा आनंद आया, और अंदर लक्ष्मी नारायण जी और पांडवों की मूर्ति लगी हुई है, अंदर नंदी जी की मूर्ति है, और सामने ठीक जो ये चोटी दिखाई दे रही है आपको, मैं दिखाता हूँ जो चोटी दिखाई दे रही है, इसी चोटी के ठीक नीचे सेंटर में है हमारा शिवलिंग, और आप ये देख सकते हो मैं अभी हूँ भीमशिला। आपको पता ही होगा भीमशिला के बारे में, जो 2013 की आपदा के अंदर भीमशिला ऊपर से वहाँ हिमालय पर्वत से गिरती हुई आई थी, लुढ़कती हुई, और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई थी, जिससे कि मंदिरों कोई हानि नहीं हुई थी आपदा की। तो यह थी भीमशिला, इसे को कहते हैं भीमशिला। आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ भीमशिला, यह है भीमशिला, यहाँ पर सब सिक्के चिपका के अपनी मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं, और वह कला हमारा केदारनाथ मंदिर, और सामने का बगल में आसपास सारा पूरा व्यू वो हिमालय पर्वत।
होगा। तो सुबह 6:30 बजे के लाइन में लगे हुए थे, फाइनली हमें दर्शन 9 बजे तक हो गए थे। लाइन अच्छी खासी चल रही है, काफ़ी लंबी लाइन थी, फिर भी हमारे टाइम से दर्शन हो गए। अभी हम यहाँ पर दर्शन करने के दर्शन हो चुके हैं, अब हम भैरव मंदिर जाएंगे। भैरव मंदिर है उस पहाड़ी पे, उधर आपको झंडा टाइप के दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर है भैरव मंदिर। भैरव मंदिर की दूरी है केदार मंदिर से 2 किलोमीटर के आसपास। जल्दी हम 2 किलोमीटर भी कवर करके भैरव मंदिर के भी दर्शन करेंगे। भैरव मंदिर से ऊपर जाना अभी अलाउ नहीं है, जो कि झील थी जहाँ पर बादल फटे थे 2013 के आपदा में। तो अभी मैं आपको पूरा राउंड करके दिखाऊंगा केदारनाथ टेम्पल। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर शंभु। तो ये है हमारा पूरा व्यू केदारनाथ वैली का, आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ एकदम जेन्युइन व्यू। और पीछे हमारे हिमालय पर्वत। तो भाई एक मेरे सब्सक्राइबर मिले, भाई का नाम शुभम राठौर, भाई है इंदौर से। तो भाई ने भी सब्सक्राइब किया और उन्हें अच्छा लगा, भाई का भी ड्रीम है मोटो ब्लॉगिंग करने का। तो मैंने कहा हार्ड वर्क थोड़ा कोशिश कीजिए और अचीवमेंट कीजिए पूरी ड्रीम को। बाकी हम हैं यहाँ पर भीमशिला के पीछे, और पीछे केदारनाथ मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, चोटी केदारनाथ मंदिर की। भाई शेयर करें भाई को। तो अभी जो देख रहे हो आप पूरा व्यू, देखिए मेरे पीछे का पूरा व्यू देखिए। भाई सच का है, कोई गलत नहीं कहते कि केदारनाथ किसी जन्नत से कम है। यहाँ पर 12 बजे के बाद ऐसा हो जाता है मौसम, मैं आपको बता नहीं सकता कैसा मौसम हो जाता है। जन्नत जीती जा, ये है धरती पे जीती जागती जन्नत। तो अभी हमारे को वहाँ जाना है भैरव मंदिर के पास। तो भीमशिला आपने देख ही लिया, मेरे पीछे भीमशिला। तो फाइनली मुझे इतनी खुशी है, मैं आपको बताएं सर मैं कितना खुश हूँ कि मेरा फर्स्ट ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुका है, वो भी केदारनाथ, जो कि हर किसी का इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। बहुत लोगों के ड्रीम सपने होते हैं कि कब जाएं केदारनाथ, अब जाएंगे आप जाएंगे, बस बोलते बोलते सालों बीत जाते हैं। जैसे कि मेरा भी ऐसे ही होता है कि इस साल केदारनाथ जाएंगे, इस साल केदारनाथ जाएंगे, लेकिन ये साल ऐसा आया कि इस दिन मेरा ड्रीम पूरा हुआ और मैं आ गया केदारनाथ। तो बहुत ही अच्छा लगा अंदर जाके, मैं बता नहीं सकता कि केदारनाथ में आके मुझे जो खुशी हुई ना, रियलिटी में मैं आपको ना बता नहीं सकता, वर्ड लेस हूँ मैं। मेरे फेस पे से स्माइल नहीं आई थी, मैं 22 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद जो हालत थी हमारी चढ़ाई करते टाइम, लेकिन मैंने मंदिर का जो रात का व्यू देखा, आरती के टाइम में आ चुका था और मॉर्निंग में मैंने दर्शन किए अपने, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मंदिर जल्दी खुल जाता है, 4 बजे से लाइन लगने लग जाती है, और रात के 2-2 बजे से लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी हेलीपैड तक लाइन लगी हुई है 1.5 किलोमीटर तक की। तो आप जब भी आइए तो ध्यान से आना, रात को दर्शन करना, रात को ही आरती होती है यहाँ पर, सुबह की आरती नहीं होती है, एक भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है ये पॉइंट। शाम को आरती होती है, रात में नहीं, सुबह नहीं होती। शाम को 7 बजे पर आरती शुरू हो जाती है, 7:30 तक ख़त्म हो जाती है, और 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक मंदिर भी बंद हो जाता है। तो ये था हमारा मंदिर का व्यू, मैं आपको मंदिर का व्यू दिखा रहा हूँ घुमा के पूरा।